मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप लोग अपने अपने हलके में काम करते हैं तो मीडिया के साथ फॉर एग्जाम्पल जो अखबार वाले हैं अखबार के नुमाइंदों को कभी इंटरव्यू वगैरह देना पड़े या टीवी में इंटरव्यू देना पड़े या फिर जो वो उनके कुछ शॉर्ट्स आ रहे होते हैं उसमें आप लोगों की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह इस तरह का आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस है हुआ है और अगर जब हुआ है तो उसमें आप लोगों के कौन कौन से जो है आपको मसाइल का शिकार करना शिकार हुए हैं आप लोग तो वो हम डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको वो एड्रेस करूँगी Uh, मेरा मातली में अक्सर करके मीडिया वालों से रबता है तो वो अगर ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रखते हैं तो मुझे बुलाते और वो मुझे बोलते हैं अधी के आप आ जाओगे या हम आपको लेने आ जाए तो मैं उनको बोल देती हूँ कि अदा इतना दूर तो नहीं है मैं आ जाऊंगी फिर मैं अपने बेटे को बोलती हूँ बाइक पे या मैं रिक्शा में चली जाती हूँ फिर मुझे इसी तरह से कोई परेशानी नहीं होती है हाँ अगर मुझे अगर बंदे इकट्ठे करने होते हैं वो लोग बोलते हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे लोग इकट्ठे करके दो तो वो मैं उनको बोलती हूँ अदा मैं लेके आ जाओ फिर मैं रिक्शा या गाड़ी लेके उनको लेके जाती हूँ मेरे साथ तो एक्चुअली ये इशू है कि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई इंटरव्यू वगैरह देना होता है तो मुझे गाइड किया जाता है आपको ऐसे बोलना आपको ऐसे बोलना आपको ऐसे बोलना मुझे बाउंड किया जाता है कि आपने वर्ड बाय वर्ड ऐसे कहना है और ये चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट लगती है वर्ड बाय वर्ड कहना जिसमें मेरी अपनी राय मैं नहीं दे सकती जिस तरह मुझे समझाया गया है मुझे उसी तरह इंटरव्यू देना है उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस करना है ये चीज़ ये चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट लगती है यही बोल रही थी बस बात कर लेते हैं पर तरतीब है, करनी है वो सही नहीं होती हमारी तो नॉर्मली आप लोगों का जो होता है कि भाई हम लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उसमें आप लोगों को ये रोल मिलता है या आप लोगों का ये होता है कि भाई आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को ले आना वहां पे कोई और लीडर जो है वो कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है ठीक है तो अब उसके लिए आपको ये होता है कि जब आप मीडिया में जाते हैं मीडिया के साथ एंगेज होते हैं हम लोग बेशक अगर हम लोग ऑनलाइन मीडिया की बात करें या कुछ अब देखें डिफरेंट किस्म में अब अगर अखबार के लिए इंटरव्यू जो है आपने देना है उसके लिए कैसे तैयारी करनी है टीवी पे अपीयर होना है उसके लिए कैसे तैयारी करनी है क्योंकि देखें आपको पता है अक्सर जब टीवी पे न्यूज़ चला रहे होते हैं तो उनका ना कुछ सेकंड के बाइट्स आते हैं वो आपकी शायद आपको आधा घंटा रिकॉर्ड करेंगे लेकिन वो आपको जो है जो जब मीडिया में चलाते हैं ना तो वो फिर कुछ सेकंड्स का चला रहे होते हैं हमारे साथ भी ये अक्सर होता है तो फिर आपको ये होता है कि उस टाइम में हम लोग फॉर एग्जांपल आपके इलाके में कोई मसला हो गया और आपको उसको इंटरव्यू दे रहे हैं आपके पास किसी भी टीवी चैनल का कोई नुमाइंदा आया हुआ है तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि टू द पॉइंट रहे अगर आप पॉइंट से हटेंगे ना तो वो फिर आप लोगों की जो है बात उस तरह से कन्वे नहीं हो सकती क्योंकि जब मीडिया पे न्यूज़ बनेगी मीडिया पे जाएगी तब ये आगे कन्वे कर सकेंगे ना हम लोग हम लोग उसको जो है उस टाइम देख नहीं सकते अब ये है कि जो अब मीडिया की तनकीद बड़ा जो है आजकल खास तौर पे जब आप किसी सियासी पार्टी के साथ जो है आप आपकी रेलीवेंस होती है उनके साथ तो आप पे फिर मीडिया की बड़ी तनकीद हो रही होती है ठीक है आपके इलाके में तो वो आ, इस किस्म का कोई इंसिडेंट आप लोगों के साथ आया और फिर उसको आप लोग किस तरह से हैंडल करते हैं जो मीडिया की तनकीद आप पे होती है, ते 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 होती है। हाँ। आप पे या आपकी पार्टी पे होती है ना कि नहीं होती अखबार में कोई खबर छप गई अखबार में कोई ऐसी खबर छप गई कि फलाने जो है हलके में जो है इस किस्म का कोई वाक्य पेश आया और उसपे फलानी पार्टी की उन्होंने ऐसा किया और ये वो इस किस्म का जो एक बार ऐसा हुआ था कि जो इजलास हो रहा था हमारा तो जो किसी मिनिस्टर ने दावत की थी तो वो जो चेयर नाजम साहब थे और लोग मर्द जो लोग थे ना वो चले गए वहां पर दावत में और हम लेडीज जो थी ना कुछ बैठी हुई थी कुछ चली गई थी हम दो लेडीज बैठी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी किसी वो फोटोग्राफर ने हमारी फोटो भी खींच ली और अखबार में सुबह को दे दिया कि ये औरतें जो है ना वो बैठी बातें कर रही नाजम साहब चले गए हैं और इनको शिकायत है कि वो दावत पे गए हमें बुलाया बुला के खुद चले गए और हमने ऐसी कोई बात की भी नहीं दूसरे दिन जब साक्षियों से हमने पूछा कदा आपने झूठ क्यों लिखा है तो कहने लगे कि हमने झूठ इसलिए लिखा है कि इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना करे हमें करना पड़ता है हमें ये झूठ करना पड़ता है लिखना पड़ता है ताकि इनको पता चले तो ये ऐसे ही होते हैं जो अखबारी नुमाइंदे होते हैं या सहाफी वगैरह या मीडिया के जो लोग होते हैं तो वो भी एक अदी ने कहा था ना तो वो अपनी मर्जी से ही बात करवाते हैं एक इजलास में मुझे बोलने लगे कि चेयरमैन साहब के वो फेवर में बात करे अब मैं अपोजिशन की थी मैंने कहा था अगर आप उसके खिलाफ बोलना चाह कहें तो मैं बोल दूंगी अब उसके फेवर में कैसे बोलूं चलो मैंने कहा कि अच्छी कोई बात कह दूं मैंने अच्छी बात कही दी कि उन्होंने कहा है कि सबको बराबर में स्कीमें वगैरह मिलेंगी लेकिन स्कीमें तो नहीं मिली और मेरी पार्टी के लोगों ने कहा कि आपने उसके फेवर में क्यों बात की तो ये साफी जो लोग होते हैं ना वो अपनी मर्जी चलाते हैं और आजकल की मतलब अगर हम आपको चैट करना चाह रहे हैं देख ये लिखते है साफी लोग एक मरतबा मेरे लिए लिखा था इन्होंने तो मैं इनको चैलेंज किया कोर्ट में तो गलत बात क्यों लिखते हो तुम हमारा भी हक है औरत का जो हम कहते हैं वो लिखो ना जब तक इनको नहीं खींचेंगे तो ये बात नहीं आएंगे मीडिया है तो क्या है मीडिया में हमसे हम, हम मीडिया से हैं हम डरते थोड़ी ही उनसे मैं उनको कोर्ट में चैलेंज किया फिर उन्होंने माफी मांगी आगे से ऐसे नहीं किया अब खुद में ताकत और भरोसा होना चाहिए तो को, कोई भी किसी को झंझोड़ नहीं सकता है ठीक बात है लेकिन अभी हम ये डिस्कस करें ना यहाँ पे कि जो ये डिजिटल कैंपेन है कि मतलब जो मीडिया के थ्रू हम लोगों ने अपने जो है आ, आ, उसको हम कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल अभी जो वोटिंग वगैरह हो रही होती है या कुछ भी जो नया इनिशिएटिव एक इलाके में हो रहा है तो, तो उसको अब लोगों को तक पहुँचाने का सबसे आसान जरिया मीडिया ही होता है कि उसके थ्रू से जा रहा होता है अब <coughs> अक्सर ऐसा होता है कि आ, जो मीडिया पे हम लोगों को कोई न्यूज़ देनी होती है अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कराची में मेहरान होटल में एक ट्रेनिंग हो रही है और सादिया या एस डी पी आई से आके ट्रेनिंग करा रहा है तो यहाँ पे कोई बड़ी अखबार नहीं आएगी हमें कवर करने के लिए ठीक है हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी और यहीं पर खत्म हो जाएगी लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर हम किसी इलाके के मेयर को किसी जनरल सेक्रेटरी को बुला लेते हैं तो वो खबर हाईलाइट हो जाएगी ठीक है वो फिर कल के अखबारों में भी हमें नजर आ रही होगी या तो को, को, कोई लोग जो है उनको पता है न्यूज में भी खबर लगवा देते हैं तो अब इसकी जो है न, डिजिटल कंपेन की हम मतलब रोजमर्रा और आप लोगों को एज एजी नुमाइंदा आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ या मैं अगर वहाँ पे कोई भी जो है नया मंसूबा स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोगों ने चाहना है, हम चाहते हैं कि हम लोग ये इसको दूर दूर तक आवाम तक पहुंच चाहे हमारा मैसेज सब तक पहुंचे तो फिर हम उसको किस तरह से प्लान करेंगे हम उस न्यूज के लिए उस काम के लिए किस तरह से हम उसकी मीडिया इंगेजमेंट करेंगे अब आप लोगों को जहन में क्या आता है कि हम उसमें किस तरह से जो है मीडिया को अखबार वालों को या टीवी वालों को बुलाएंगे तो वो किस जगह पे आ रहे होते हैं कैसे आएंगे हाँ 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 ठीक हा, है वहां पे जो आपके वो हाँ, हुँ, हुँ, और अच्छा साथ ही आप भी जाते हैं और अक्सर ये होता है कि आके वो रिकॉर्ड होती है लेकिन वो खबर छपती नहीं है ऐसा भी एक्सपीरियंस आपके साथ होता होगा और वो वो क्यों होता है हमारे साथ भी इस... हमारे साथ बदिन में भी ऐसा नहीं होता अल्लाह का शुक्र है साफी हमारे साथ तो पूरा कोऑपरेट करते हैं लेकिन हमें अगर कहीं जाना होता है या कोई हमारा इवेंट वगैरह होता है तो पहले हम उसका इश्तेहार लगवाते हैं एड छोड़ते हैं ग्रुपों में फिर वो ग्रुप वाले एड साफियों तक पहुंचा देते हैं तो साफी आ जाते हैं खुद ब खुद हमें इसमें कोई दुश्वारी आती नहीं है हाँ अगर कहीं पे आती आ भी जाएगी तो ये आप थोड़ा हमें कन्वेंस करके बता दें कि हमें उसका हल कैसे करना चाहिए मीडिया को लेके एक मेरा एक्सपीरियंस है हमारी एक टीचर थी बच्ची जिसको उनकी हेड ने बहुत टॉर्चर किया था मारा था तो हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ डिपार्टमेंट में कंप्लेन की वहां से भी कोई हमें रिस्पांस खास नहीं मिला तो हम लोगों ने स्ट्राइक कॉल की मीडिया को बुलाया मीडिया आई मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया मीडिया ने इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया उसके बाद वो जो हेडमिस्टर्स थी वो भी सस्पेंड हुई जो वहां पे तालका एजुकेशन ऑफिसर थे उनको भी पनिश किया गया कि उन्होंने हमारी बात क्यों नहीं सुनी इसमें टोटल रोल मीडिया का दरअसल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बिहाइंड द सीन ये होता है कि अगर आपकी कोई खबर या किसी प्रोग्राम में आप जाते हैं तो वो उसको रिकॉर्ड करते हैं लेकिन वो उसको न्यूज में या कहीं पे भी चलाते नहीं है और वो आपको बिहाइंड द कैमरा वो आपको कॉल करते हैं कि आप हमें पैसे देंगे तो हम आपकी ये खबर छापेंगे अदरवाइज हम इस खबर को नहीं छापेंगे तो आप जब पैसे देते हैं फिर वो उस खबर को छापते हैं अदरवाइज वो नहीं छापते बहुत जगह जी मैम अभी रिसेंटली वो फातिमा फरड़ो का जो हुआ था तो उसमें एन ने तो बड़ा वो आ, रोल प्ले किया था मगर जो सीधी सी बात है कि हमारी आ, जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो ऐसे इससे कैसे हम अपनी गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करें ये आम सी बात नहीं है जहरी सी बात है वो अगर बंदा है तो वो आ, पावर है उनके पास तो वो कुछ भी करे किसी पार्टी से भी हो मैं जिस पार्टी से जी मैं उसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ जो हमारे एम एन ए और एम पी ए उनके ऊपर ये है और पहले तो ये था कि पार्टी की तरफ से कोई ज्यादा मौकफ नहीं आ रहा था मीडिया में तो चल रही थी खबरें हर चीज आ रही थी अच्छा हमसे जब उन्होंने रहा किया कि आप जो है वो बताएं कि आपकी पार्टी इस पे क्यों खामोश है जब मीडिया में ये शोर हुआ मीडिया में ये सारी चीजें उसके बाद पार्टी का जो है वो क्लियर उस पे वो आ गया मौकफ कि वाकई पे ये साबित हो चुकी है चीज और उसके बाद जो है वो हमारी पूरी क्यादत वहां पे पहुंची उन्होंने क्लियर किया कि भले वो किसी भी उससे बिलोंग करता है किसी भी पार्टी से लेकिन ये चीज किसने हाईलाइट की मीडिया ने की क्योंकि वो तो बेचारे गरीब बेपहुंच लोग हम खुद उनके पास गए थे जिस दिन उनके घर में ये सानिया हुआ है उस लड़की की डेड बॉडी पहुंची तो उनके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था उनके घर पे कफन के लिए पैसे नहीं थे उन लोगों के पास तो वो कहा पहुंचते लेकिन मीडिया ने वहां पे पहुंच के और ये जो है वो सारी चीजें सामने लाई उसके बाद हमारी पार्टी ने और हमें ये बताया गया हमने पूछा पार्टी से कि देखिए हम जो सही बात है हम वो करना चाहेंगे क्योंकि मीडिया वाले हमसे पूछ रहे हैं प्रोग्राम्स में बुला रहे हैं और ये वो पूछ रहे इंटरव्यू करने आ रहे हैं तो हम उसमें क्या हम तो वही बात करेंगे जो सच है तो उसके ऊपर हमने वही मौके दिया जो मीडिया ने उठाया था पहले दिन से कि अब देखें वही चीज मीडिया के थ्रू सामने आ गई और हमने जो अपनी चीज रखी मीडिया ये मीडिया की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना वो उसके थ्रू बहुत ज्यादा ये चीज हाईलाइट हुई और उसकी वजह से आप यकीन कह रहे पहले हमारी पार्टी खामोश थी कुछ इस पे अंदर ही अंदर चल रहा था और हम लोग खामोश हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे लेकिन नहीं ये है कि गवर्नमेंट ने अब वहां पे प्रेशर के बाद प्रेशर के बाद अब वहां मुझे पता है मैं गई हूं ना वहां पे तो अब वहां पे सूरत हाल थोड़ी चेंज है अब सारे वो पकड़े गए लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे किसकी वजह से मीडिया की वजह से मीडिया ने बड़ा अहम रोल उस पे अदा किया काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो एक्टिविटीज करते हैं और मीडिया वालों को बुलाते हैं तो हम उसे जो लिख के देते हैं कि हमारी जो ये हम जो बोल चुके हैं या जो हम मैसेज देना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को या क्या तो वो बोलते हैं कि भाई प्रेस रिलीज हमें बना के दो हम वो लगा देंगे अगर नहीं होता तो हम उनको मैसेज कर देते हैं कि इस अखबार में नहीं आई है हमारी खबर तो आप दूसरी अखबार वाले जो होते हैं जिनकी सुबह अखबार आनी है तो उसमें मैसेज वो लगा दें तो आप देखिए इस सारी डिस्कशन के बाद हम लोगों को भी यह अंदाज़ा है और ख़ासतौर पे अभी पाकिस्तान में गुजशत कुछ अरसे में जो भी वाकत पेश आए हैं उनमें से अगर किसी पे कोई जो है हल नजर आया है या जो भी उस पर एक्शन लिया गया वो सिर्फ मीडिया की जो है उसकी वजह से जो मीडिया में लेकिन एक और चीज़ जो है फेक न्यूज़ के बारे में कभी आप लोगों ने सुना है और इसको कभी एक्सपीरियंस किया है कोई अपना कोई इस किस्म का वाक्य कि आपके पास कोई फेक न्यूज आई हो और आपने आगे उसको जो है बता दिया भी तो होते हैं ना कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि अगले तेरह लोगों को आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपको एक दिन में ये खुशी मिलेगी है? तो कितने बिल्कुल बिल्कुल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपके नॉलेज में होगा चल रहा है तो उसमें आ, मैडम ने मुझे टास्क दिया हमारी जो मिनिस्टर हैं कि आपने जो आपके एरियाज की लेडीज हैं तो उनको आपने ये कार्ड वगैरह बनवा के देने हैं। और फिर ज़ाहिर हमारा अपना इदारा था हमने उनसे बात की उन्होंने कहा फाइव लेडी पर डे आपकी हम कवर करेंगे जो हमारे वोटर्स हैं उनको ये बेनिफिट होना चाहिए हम उनको साथ लेके जाएं या उनको हम भेज दें और उनका काम जल्दी हो जाए फ्री में तो सबका काम फ्री में होता है पैसे तो इसके कोई भी नहीं लेता काम फ्री ऑफ कास्ट है लेकिन टाइमिंग की बचत हमने अपने वोटर्स के लिए मैडम तंजीला को कह के ये बेनिफिट हमने लिया अच्छा कुछ अरसे के बाद मेरे लिए ये न्यूज़ चली कि मिस तो शाह जो हैं वो फाइव हंड्रेड पर हेड जो है वो ले रही हैं और उसमें से वो डिपार्टमेंट को भी खिला रही हैं और खुद भी खा रही हैं अच्छा अब जाहिर सी बात है आ, आ, मेरी कश्ती मेरे अपने घर के पानी से ही डूबी गैरों में कहाँ दम था तो <laughs> तो जो इस प्रोसेस को चलाने के पैसे लेते थे ना उन लोगों को ये बहुत इशू हुआ कि हमारी कमाई बंद हो गई जो इस प्रोसेस के पैसे ले मैडम को मुझ पर ये कॉन्फिडेंस था मैडम को पता था कि तोकीर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ईगो को लेके इतनी सेंसिटिव है कि तो़िर कभी भी ये काम नहीं करेगी क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं हो, उनको पता होता है कौन किस लेवल का है और इसी हिसाब से वो काम दिख तो ये जब मीडिया फिर मैंने उन्होंने कहा कि खबर जराए फिर मैंने उस शख्स को चैलेंज किया मैंने उस शख्स को ये चैलेंज किया कि जिस बाबर ज़राए का आप नाम ले रहे हो ना उस बाबर ज़राए का मुझे बताएं कि कौन से बाबर ज़रिए ने आपको बताया कि तोिरर शाह पर फाइव हंड्रेड ले रही है यानी कि वो बबर जो जरिया है जिसका नाम लेके आप मुझे हिट कर रहे हैं आप मुझे वो बबर जरिया उन्होंने मुझे बता भी दिया लेकिन फिर उसके बाद मेरा किरदार आया कि मुझे उस नाम को शो आउट नहीं करना था ये मेरी पार्टी के लिए नेगेटिव होता ये मीडिया का और इस न्यूज में भी ये फायदा हुआ कि आदि ने तो पैसे नहीं लिए थे पर जिन्होंने पैसे लिए थे वो काम कर रहे थे उन्होंने डर की वजह से यह काम बंद कर दिया और गरीबों का बहुत फायदा हो गया इसमें जब फिलड आया था 2010 में तो उस वक्त मैडम फैमिदा मिर्जा जो थी स्पीकर थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वो दुबई गई वहां से तीन करोड़ जो उनको मिले तो उन्होंने उस ली और गोलारची बदीन टंडो बागों में उन्होंने ये बयान बांटी मुझे भी पांच लेडीज को देन में का उन्होंने कहा मैं वो पांच लेडीज लेके उसके बाद क्या हुआ कि एक औरत गई है किसी डॉक्टर के पास मेरी भी कोई रिश्तेदार बैठी थी वो कहती है कि अदा अदी खुर्शीद मेमन ने पांच बैंसे लोगों को लेके दी हैं अब वो उनको कहती है कि दूध मुझे आधा दे, दे दिया करो <laughs> अब मुझे उस रिश्तेदार ने आके बताया तो मैंने कहा मुझे तो मैंने तो उनको लेके दी और वो ये कि एक औरत के गले में कैंसर था वो बेचारी कुछ खा नहीं सकती थी वो दूध पीती थी और उसकी बेटी कहती है कि हम आपके लिए कुछ लेके आते हैं मैंने कहा खुदा के वास्ते अगर मेरे घर कोई मिठाई या केक वगैरह ले आओगी तो मैं नहीं कबूल करूंगी हाँ तुम मेरी चाय भले पियो तो इस तरह से लोग जो है ना ऐसी बातें करते रहते हैं जो हम लोग बाहर निकले हैं तो हमारे ऊपर बहुत से इल्जाम होते हैं जिनको कभी हमें सफाई का मौका देते हैं कभी नहीं देते और हम उस वजह से भी बड़े परेशान रहते हैं कि हम एक तो निकले हैं औरतें हैं और ऊपर इल्जाम की ये भरमार तो क्या करें इसके लिए मीडिया वाले वैसे हमसे पैसे नहीं लेते लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना तो उसकी फीस लेते हैं वो हम देते हैं लेकिन मीडिया वाले हमसे फीस भी नहीं लेते अगर कोई जैसे कि इजलास होता है तो हमसे व्यूज भी लेते हैं तो हम व्यूज देते हैं अपनी मर्जी से लेकिन एक दो बार ऐसा हो चुका है कि वो लोग कहते हैं कि हमारी मर्जी से व्यूज आप दें तो हम नहीं देते क्योंकि हमारी भी मर्जी है हम क्यों उनके बात माने ठीक है और अब देखेंगे ये फेक न्यूज़ का यहाँ पे एक चीज़ को हम इसको लिंक करेंगे कि आप लोगों में से जैसे आप लोगों ने बताया कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं उसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे कुछ साथी जो हैं वो ट्विटर वगैरह यूज़ करते होंगे करते हैं और आप लोगों के अपने अपने नाम से आप लोगों ने प्रोफाइल बनाई होगी ना कि अब जो मेरा अकाउंट है मैंने अपने नाम से बनाया होगा तस्वीर तो भी लगी हुई होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर कोई पोस्ट डालते हैं और उस पर फिर आपको जो है तनकीद का सामना करना पड़ता है या फिर वो उस तरह से कि फेक न्यूज बन के सामने आ जाती है ठीक है और ख़ासतौर पे जब आप किसी पार्टी के साथ जो होते हैं आप एसोसिएटेड होते हैं या आप लोग किसी क्योंकि जब आप आवाम के नुमाइंदा के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको जो है ज़्यादा इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए सिर्फ सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप लोग जो है ना उस चीज़ को बड़ा प्रोफेशनल रखें वहां पर कोई इस किस्म की स्टेटमेंट देना कोई इस तरह की चीज़ करना क्योंकि एकदम आप जो है वहीं से फिर ये नेगेटिव जो न्यूज़ है वो हाईलाइट होना शुरू हो जाती है और आप लोगों को अच्छा अब ये हम लोगों ने अपरचुनिटीज भी जो है डिस्कस कर दी है एंड में हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे पास फाइव मिनट्स का टाइम होगा मानूर फाइव मिनट्स में अगर आप लोगों को जो आ, हम लोगों ने पीछे कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो है कुछ चीज़ें सीखी हैं और कुछ हम लोगों ने जो मीडिया पे तो उसमें से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं ताकि फिर हम इसको जो है वाइंड अप करें आप लोगों का फिर नेक्स्ट सेशन हो आज वैसे ही आपका छुट्टी का दिन है तो इसको टाइम को जल्दी जल्दी खत्म करना है फिर वापस जाना है अपने घरों में आप लोगों की तरफ से है कोई सवाल या फिर मैं ही खुद बोलती रहू मैं नहीं, नहीं मैंने पूछना नहीं है या अगर आपके जहन में कोई चीज आ रही है या कोई आप ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं कि मुझे बोलते हुए ये मसला आता है या कुछ कुछ पूछना जो चाह रहे हो ना मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी पूछेंगे नहीं बहुत अच्छा सीखा आपसे सीखा कल मैडम से सीखा ट्रेनिंग ली यहाँ पे आए जो मकसद था ना हमारा वो पहले थोड़ा सा डर से था अब यकीन के साथ एक यकीन के साथ लेके अपनी आवाम तक पहुंचेंगे कि हमें आप हमें पर यकीन है तो हमारी आवाम पे भी यकीन है बहुत अच्छा सीखा मेरा वही सेम क्वेश्चन है क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत हिट करता रहता है कि जब भी मैं ये क्या स्ट्रेंथ है जो आप फील कर लेती हैं कहीं ज, किसी भी जगह पे आप जब बैठती हैं तो आपको एक पॉजिटिव सिचुएशन मिल रही है और कहीं कहीं पे आप जाती हैं जगह पे बैठती हैं तो आप अनकंफर्टेबल uh, फील करती हैं कि ये यानी कि वहां पे आपको फील होता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ये क्यों होता है और आपको कैसे पता चलता है कि ये अगला जो है बंदा है वो आपके बारे में ये सोच रहा है आपको कैसे फील होता है यानी कि ये ना कुछ बिल्कुल <laughs> नहीं नहीं ये ये ये, ये ना स्टेट ऑफ माइंड होती है इसको अगर हम इस तरह से कनेक्ट करें ना कि देखें मेरी मेरी ये स्ट्रेंथ है या मैं साइकोलॉजिकली ना मैं समझ सकती हूँ कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे पता है कि आपके जहन में लाइक आप नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव लेकिन अब देखें जो मेरी बाउंड्री है ना मुझे उसमें रहना है और जो आपकी है मुझे उसमें एंटर नहीं होना ना आपको मेरे में एंटर होने देना अगर मैं कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना तो मैं उसका जो है आंसर बैक करूंगी फ्रॉम माय पॉजिटिव एनर्जी ठीक है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो जो है नेगेटिव होके अपना नुकसान हो रहा है आपका तो नहीं हो रहा ना हमेशा ये चीज सीखने वाली होती है कि देखिये हम लोग अगर मैं पॉजिटिव हूं ना तो वो आ, मैं अपने काम पे भी अच्छे से फोकस कर सकूंगी मैं कुछ लिख रही हूँ मैं कुछ पढ़ रही हूँ मैं उस पर तोजह दूंगी लेकिन अगर मैं नेगेटिव हो जाऊंगी या मेरे सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी आप देखिए ये अः एक किताब में मैंने कहीं पढ़ा था और उसमें यही था कि आप लोग खुद को भी ना उन लोगों के सराउंडेड करें जिन लोगों से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिन लोगों से आपको एक दो दफा फील हुआ कि नेगेटिव है तो बस हम लोगों ने उनसे साइड पे हो जाना है ठीक है